हेलो बच्चों, कैसे हो सर? आज तो हम बढ़िया नहीं है, हमारा पेपर टफ आया बहुत ज्यादा। कुछ बच्चों का कहना है कि आज का फिजिक्स का पेपर कुछ टफ था और उसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा थे, इसलिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आज के पेपर का हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब। आज का पेपर जो आपको लग रहा है कि टफ है और उसमें जो है हमारे नंबर कम आएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका यदि आज का पेपर टफ है, आपको जो है मुश्किल लगा है पेपर और ज्यादा क्वेश्चंस आप सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। यदि पेपर इस तरह का टफ पेपर आता है तो उसमें मार्किंग लूज की जाती है, इसलिए आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि सहारनपुर का जो केमिस्ट्री का सेट था वो बहुत ज्यादा टफ था और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर दिया और उसके बाद कोई भी एग्जाम दिया ही नहीं है, सारे छोड़ दिए कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर ही अच्छा नहीं हुआ तो आगे के एग्जाम हम क्यों दें, आगे के पेपर क्यों दें। पर हुआ क्या, आखिरकार ऐसा हुआ कि उन्होंने आगे के पेपर तो सारे छोड़ दिए, पर जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने रिजल्ट में देखा कि केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे नंबर हैं, जो पेपर उससे अच्छे हुए थे उनमें भी इतने अच्छे नंबर नहीं है जितने केमिस्ट्री में हैं। तो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि आज के पेपर की ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका फिजिक्स का पेपर ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है तो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें। और आपका अगला पेपर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के पेपर की आप जी जान से तैयारी करें, ठीक है बेटे? अब देखो केमिस्ट्री के पेपर में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। वैसे तो मैंने इसका पूरा वीडियो डाल रखा है कि जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि कौन से यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक आपको मजबूत करके जाने हैं। पर जैसा कि आज फिजिक्स का पेपर आया है उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें अपनी स्ट्रेटर्जी चेंज करनी पड़ेगी, कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें चीजें डालनी पड़ेंगी। वैसे तो आपकी वो वीडियो सफिशियंट है, उससे तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और उम्मीद है आप उससे तैयारी कर रहे होंगे। पर बेटे, आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था आपको कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करके जाएंगे, जो एनसीईआरटी के आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर एक यूनिट के लास्ट में जो एनसीईआरटी का फोल्डर दे रखा है उसके भी आप क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, एनसीईआरटी के फोल्डर वाले क्वेश्चन। और आपको मॉडल पेपर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना। उसके बाद बेटे, आप जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, स्पेशली 2017, 18 और 19 के जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप पक्का करके जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखनी है बात। और बेटे एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो पहली चार यूनिट है ना आपकी केमिस्ट्री में, उन पहली चार यूनिट में ही न्यूमेरिकल हैं। आज फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आए हैं क्योंकि फिजिक्स में तो हर एक चैप्टर में ही न्यूमेरिकल होते हैं, हर एक यूनिट में ही न्यूमेरिकल होते हैं, पर बेटे केमिस्ट्री में तो सिर्फ चार ही यूनिट में न्यूमेरिकल हैं। और चार यूनिट में न्यूमेरिकल का मतलब 10 से 15 नंबर तक आपके न्यूमेरिकल आएंगे, तो 10 से 15 नंबर तक के न्यूमेरिकल आएंगे। और कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है। तो सब बच्चे ध्यान रखना है कि पहली चार यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको पक्के करके जाने हैं, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी और कुछ एनसीईआरटी के भी पक्के करके जाने हैं। उसके बाद बेटे एक चीज ध्यान रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो यूनिट है ना, उसमें से रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस और कन्वर्जन, माने कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, क्या होता है जब, तो आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन पक्के करके जाएंगे, एक ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसके साथ जो है बेटे एक बात और बता रहा हूँ, उसे भी सुन लो ध्यान से, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, यदि आपको इन 3 दिनों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप बेटे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूं, या उस पे जो है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फिर आपका जो है यूट्यूब पे डाल दूं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, फिजिक्स की टेंशन किसी को नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब जो हो गया उसे होने दो, नंबर आपके अच्छे आएंगे, चाहे आप देख लेना।
आप केमिस्ट्री की तैयारी करो, ऐसा ना हो कि इसके झटके के चक्कर में आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा ना हो और वो आसान आए और फिर भी अच्छा ना हो। पेपर आसान आएगा इस चीज की गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। मैं शुरू से पूरे साल से आपको कहता आ रहा कि केमिस्ट्री का पेपर जो है आसान नहीं आएगा, आपको तैयारी अच्छी करके जानी है, मजबूत तैयारी करके जानी है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि आपको 3 दिन मिले हैं, ठीक है बेटे? तो आप अपनी तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो। और दूसरा, आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटे? आप तैयारी करो, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम, ओके बाय।